हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रजत सिंह। वेलकम टू इंजीनियर सेटा गाइस। आई होप आप सभी को आवाज आ रही होगी, क्लियर सुनाई दे रही होगी आवाज मेरी, राइट? एक बार जरूर कंफर्म कर दीजिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में कि सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं, फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना? चलिए फटाफट आ जाइए जल्दी सभी लोग। अक्षय, कृष्णा, राजेश, तपन, तौहीद, प्रज्वल, सोनल, सरोज, सभी का वेलकम है, जल्दी जल्दी आ जाओ। वीडियो क्लियर आ रही है सबको? आई थिंक कुछ इश्यूज मुझे लग रहा है, बफर हो रही है ना। चलो ऑल राइट, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वंस अगेन, सभी को गुड इवनिंग, है ना। स्टार्ट करते हैं वन बाय वन करके क्वेश्चंस सॉल्व करना, और आपके स्क्रीन पे वन बाय वन करके क्वेश्चंस आएंगे, आपको बताते जाना है आंसर, ठीक है? फटाफट आई थिंक वीडियो रुक रही है यार, है ना? वीडियो मेरे एंड पे तो बफर करते हुए दिखाई दे रही है, आई डोंट नो आपके एंड पे साफ दिखाई दे रही है कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आवाज भी रुक रही है। कुछ इश्यूज हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, फटाफट जवाब दीजिए। आई नो वीडियो तो रुक रही है, इसका कुछ सॉल्यूशन देखता हूं मैं, क्या सॉल्यूशन है इसका। आप लोग इसका जवाब दीजिए फटाफट। चलिए अभी ठीक है, अभी सबको आ रही है क्लियर? अभी एक बार कंफर्म कर दो सभी लोग फटाफट। डी ऑप्शन इज करेक्ट, इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या इशू है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूं जैसा कि यहां पे प्रॉब्लम आ रही है, कुछ कुछ इशू आ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपने बता दिया, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑयल वार्निश इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का आंसर ऑयल वार्निश बिल्कुल करेक्ट है गाइस, फर्स्ट का ऑयल वार्निश करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर करिए, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर कीजिए सभी लोग। बफर कर रहा है, आई नो, पता नहीं कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम है या
वीडियो अटक रही है ना। राइट राइट, कुछ ज़्यादा अटक रही है। अभी आ रही है आप लोग को? हेलो, एक बार जरूर सभी लोग कंफर्म करना, जैसे ही आपको आवाज आ जाए मेरी फटाफट। ठीक है, अभी सभी सभी को क्लियर है क्या? एक बार कंफर्म करिए प्लीज सभी लोग। अगर वॉइस क्लियर आए तो गाइस जरूर कंफर्म करना सभी लोग। स्टार्ट करते हैं फिर सेशन। राइट, आई डोंट नो क्या इशू था। क्लियर है सभी को? चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं फिर, सबको क्लियर है तो। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करिए सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सभी लोग आंसर करो। इन अ पेंट द पिगमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये बताना है आपको पेंट में। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड। इन पेंट्स द पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, पिगमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ड्यूरेबिलिटी के लिए, कलर के लिए, स्मूथनेस के लिए, या फिर ग्लॉसी फेस के लिए? ठीक है, जल्दी से बताइए। तो सब बता सकते हैं, पिगमेंट इज यूज फॉर कलर, कलरिंग एजेंट होता है, कलरिंग पिगमेंट भी बोलते हैं। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन सभी ने कर लिया था। ठीक है चलिए, अभी ठीक है, प्रॉपर है सबको। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, और नेक्स्ट का आंसर बताओ। द कॉमनली यूज्ड थिनर इन ऑयल पेंट इज, ऑयल पेंट के अंदर कॉमनली यूज होने वाला थिनर कौन सा होता है? कॉमनली यूज्ड थिनर इन ऑयल पेंट इज, जल्दी से बताइए। द कॉमनली यूज्ड थिनर इन ऑयल पेंट, नेप्था, टर्पेंटाइन, बोथ ए एंड बी। यहां पे बी होगा, ये बी नीचे आ गया है जो, बोथ ए एंड बी। और डी ऑप्शन इज नाइदर ए नॉर बी। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। कॉमनली यूज थिनर इन ऑयल पेंट इज, विच वन इज करेक्ट? नेप्था, टर्पेंटाइन, दोनों ही क्या है? थिनर है जो यूज करते हैं हम लोग कॉमनली। बिल्कुल करेक्ट है गाइज, आपका आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सभी लोग आंसर करो गाइज फटाफट। द पेंट्स दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर आर, द पेंट दैट आर मोस्ट रेजिस्टेंट टू फायर आर, कौन सा पेंट है जो कि फायर रेजिस्टेंस होता है? इनेमल पेंट, एल्यूमिनियम पेंट, एस्बेस्टस पेंट, या सीमेंट पेंट? क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फटाफट आंसर करो। विश्वजीत, राजा, मधुमिता, कृष्णा, श्रवण, तौईद, मुकेश, राजेश, सुप्रिया, प्रशांत। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इनेमल पेंट है, एल्यूमिनियम पेंट, एस्बेस्टस पेंट, या सीमेंट पेंट? आप सभी को पता है कि एस्बेस्टस पेंट का यूज हम लोग करते हैं एज अ फायर रेजिस्टेंट पेंट। बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे सी ऑप्शन
सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, एस्बेस्टस पेंट। नेक्स्ट अगला, और थोड़ा सा फास्ट करिए क्योंकि सेशन ऑलरेडी देर हो गया है, बफरिंग वगैरह का इशू आ रहा था उसकी वजह से, थोड़ा सा फास्ट आप लोग आंसर करिए। डिस्टेम्पर इज यूज ऑन, डिस्टेम्पर इज यूज ऑन, डिस्टेम्पर कहाँ यूज किया जाता है, ऑप्शन देखिए, प्लास्टर्ड सर्फेस नॉट एक्सपोज टू वेदर, ऐसी प्लास्टर सर्फेस जो कि वेदर से एक्सपोज ना हो, मतलब बाहर की वॉल पे डिस्टेम्पर हम लोग नहीं यूज करते, बिल्कुल करेक्ट लिखा है, प्लास्टर सर्फेस एक्सपोज टू वेदर, बी ऑप्शन उसका उल्टा है, रूफ टॉप या फिर अनप्लास्टर्ड ब्रिक वॉल, विच वन इज करेक्ट, इसका फिफ्थ का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऐसी जगह डिस्टेम्पर का यूज किया जाता है जहां पे रेनफॉल वगैरह ना है, वेदरिंग एक्शन ना हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन, डिस्टेम्पर्स आर जनरली यूज्ड टू कोट कंपाउंड वॉल, एक्सटर्नल कॉन्क्रीट सर्फेस, इंटीरियर सर्फेस विच आर नॉट एक्सपोज टू एनवायरमेंट, बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे आपको इंटीरियर सर्फेस पे यूज कर सकते हैं जो कि एक्सपोज ना हो वेदर से, वहां पे इसको यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स का सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, डिटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सर्फेस इज नोन एज, पेंट फिल्म जो डिटैच हो रही है सर्फेस से उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्ट है ना, डिटैचमेंट ऑफ द पेंट फिल्म फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सर्फेस इज नोन एज, क्या बोलते हैं, सर्फेस से जब पेंट की पपड़ी उतरती है उसको क्या बोलते हैं, ऑप्शन लिखे हुए, चॉकिंग, क्रैकिंग, फ्लेकिंग और व्रिंकलिंग, विच वन इज करेक्ट, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का आंसर सभी लोग फटाफट दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, फ्लेक्स बोलते हैं ना, फ्लेक्स पपड़ी की फॉर्मेट में निकलता है, फ्लेकिंग बोलते हैं उस फेनोमेना को, ठीक है। सेवेंथ का सी ऑप्शन इज करेक्ट, यस सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर एस्टिमेशन ऑफ द पेंटेड एरिया ऑफ द कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट सीट, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया अबव द पेंटेड एरिया इज, पेंटेड एरिया को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इनकेस ऑफ कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीट, क्यों, क्योंकि हमें पेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है वहां पे रफनेस की वजह से। यहाँ पे पूछा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया, कितना परसेंट का इंक्रीमेंट करते हैं यहाँ पे, ये पूछा है। क्वेश्चन नंबर एट का आंसर 10%, 14%, 20% या 25%। क्वेश्चन नंबर एट, प्रशांत बोल रहे हैं सी बिल्कुल करेक्ट है, मनीष आपका भी 20%, शिवानी, तौहीद, सिमन, सबका मैक्सिमम लोगों का 20%, बिल्कुल एग्जैक्टली जो ये बोल रहे हैं गलत है बेटा, यहाँ पे 20% होता है, कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट सीट लिखा हुआ है यहाँ पे, याद रखना, और परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया अबव द पेंटेड एरिया, जो भी पेंटेड एरिया है उससे हम लोग 20% इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट, द इंग्रेडिएंट ऑफ द पेंट इन विच आर यूज टू हाइड द सर्फेस इररेगुलरिटी एंड इम्पार्ट्स कलर इज नोन एज, पेंट का वो इंग्रेडिएंट जो कि उस इररेगुलरिटी को हटाता है, हटाने में मदद करता है जो सरफेस पे आपके दिखाई देती है और कलर इम्पार्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर अभी आपने स्टार्टिंग में ही करा था कि कलर इम्पार्ट करने के लिए हम लोग पिगमेंट्स का यूज करते हैं जो कि क्या करता है, सरफेस इररेगुलरिटी को इम्प्रूव करता है, मतलब इररेगुलरिटी खत्म करता है, सरफेस पे जो जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको कवर अप करेगा और कलर भी इम्पार्ट करेगा। नाइन्थ का सी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ करियर इन पेंट, करियर के तौर पे पेंट में क्या यूज किया जाता है इनमें से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ करियर इन पेंट, एज अ करियर हम क्या यूज करते हैं पेंट के अंदर, ये आपको बताना है। आलमंड ऑयल, लिंसिड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया यार, जल्दी से बता दो क्वेश्चन नंबर टेंथ का, ऑप्शन इनफैक्ट ऐसे रख दिया कि आप लोग ऐसे भी बता दोगे इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका लिंसिड ऑयल, बिल्कुल करेक्ट, लिंसिड ऑयल, लिंसिड ऑयल इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट, फॉर एस्टिमेशन ऑफ पेंटिंग एरिया ऑफ अ कोरुगेटेड सीट, परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया अबव द प्लेन एरिया इज, ये पढ़िए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11th का, अभी हमने करा था ना एस्टिमेशन ऑफ पेंट, कोरुगेटेड सीट लिखा है यहाँ पे, एस्बेस्टस सीट नहीं लिखा है, एस्बेस्टस सीमेंट यहाँ पे, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखा था एस्टिमेशन ऑफ पेंटेड एरिया ऑफ कोरुगेटेड एस्बेस्टस सीमेंट सीट, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कोरुगेटेड सीट, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लिया करो क्वेश्चन,
एस्टिमेशन ऑफ पेंटिंग एरिया ऑफ द कोरुगेटेड सीट परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द प्लेन एरिया इज, यहां पे क्या आंसर होगा जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर 11th का आंसर फटाफट, यहां पे आपका आंसर क्या होगा, बिल्कुल 14% इज द राइट आंसर, 14% करेक्ट होगा यहां पे, 14% राइट। नेक्स्ट, द विस्कस लिक्विड ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसका, ऑर्गेनिक मैटर का जो विस्कस फ्लूइड मिल रहा है, लिक्विड मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं। ऑब्वियस बात है ये तो आप लोग जो पढ़ रहे हो सब्जेक्ट उसके हिसाब से बता ही दोगे, लेकिन आप सोच समझ के थोड़ा सा इसका आंसर दीजिए, जरूरी नहीं है कि ये पेंट ही हो, ये तार भी हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन लिखा हुआ है किसका, ऑर्गेनिक मटीरियल्स, ठीक है, और विस्कस फ्लूइड जो मिल रहा है उसको हम लोग तार बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, तार इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, प्लास्टिक असॉल्ट इज यूज्ड एज अ वाटर प्रूफिंग लेयर ओवर रूफ, अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड असॉल्ट, अ नेचुरल असॉल्ट या रिफाइनरी प्रोडक्ट, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सभी लोगों को बताना है, विच वन इज करेक्ट, मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड असॉल्ट, इसी को बोलते हैं प्लास्टिक असॉल्ट, बिल्कुल करेक्ट है ये, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज ट्रू हियर, बिल्कुल मुकेश आपका आंसर करेक्ट है, राजा आपका भी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक, इनमें से कौन सी रॉक है, क्वार्ट्जाइट, माइका, जिप्सम, नन ऑफ द अबव, रॉक्स के एग्जांपल्स आपने रॉक्स में लिखा भी था, कौन सा मिनरल है, कौन सा रॉक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जल्दी से बताइए। क्वार्ट्जाइट को किस में रखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताओ, इसका मोस्ट सुटेबल आंसर क्या होगा आपका, जल्दी से बताइए, क्या कितने लोगों को लग रहा है यार कि ए गलत है, ए गलत है या सही है ये बताओ पहले, अगर मैं आपसे बोलूं कि ए सही है तो क्या आप इसको गलत बोलोगे क्या, क्वार्ट्ज नहीं लिखा हुआ है, क्वार्ट्जाइट लिखा हुआ है, क्वार्ट्ज इज यहाँ पे, क्वार्ट्ज लिखा है क्या, जो लोग मिनरल बोल रहे थे, क्वार्ट्ज तो लिखा नहीं है यहाँ पे, और जिप्सम को हम लोग किसकी कैटेगरी में रखते हैं, प्योर रॉक की कैटेगरी में नहीं है, हालांकि रॉक के कैटेगराइजेशन में उसको जरूर यूज करते हैं हम लोग जिप्सम को, लेकिन वो क्या है, वो हमारा एक मिनरल का कंस्टिट्यूएंट है, मिनरल के अंतर्गत भी आता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको ए और सी में डिसाइड करना होगा तो आप किसको डिसाइड करोगे, जल्दी से बताओ, ए और सी में डिसाइड करना होगा तो क्वार्ट्जाइट को टिक करोगे या जिप्सम को टिक करोगे, जिप्सम तो आप लोग पढ़ते आ रहे हो कि रॉक की कैटेगराइज, रॉक का कैटेगराइजेशन पढ़ते हो तो उसमें भी आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, जल्दी बताइए फटाफट, चकरा गया ना दिमाग, चलो इसीलिए आपको वर्क दे देता हूँ, हालांकि इसका आंसर ए करेक्ट दिया था एसएससी ने, एसएससी ने जो आंसर दिया था मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने क्या किया था, ए ऑप्शन करेक्ट दिया था उन्होंने, क्वार्ट्जाइट जो आयोग ने आंसर दिया था एसएससी ने, उन्होंने ए आंसर करेक्ट दिया था, हालांकि इस पे ए और सी दोनों ही होना चाहिए, दोनों ही करेक्ट होना चाहिए, ए और सी दोनों ही करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, चलिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन्ड बाय द कैल्सिनिंग, किसके कैल्सिनेशन के बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, ये आपको पहले भी करा चुका हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, आफ्टर कैल्सिनेशन ऑफ बॉक्साइट, कंकर, जिप्सम, लाइमस्टोन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, जल्दी से बताओ इसका, बताइए इसका आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ऑब्टेन बाय कैल्सिनेशन ऑफ जिप्सम, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्या है,
रेजिन्स आर, रेजिन्स किसको बोलते हैं? रेजिन्स आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन स्पिरिट, यूज्ड इन वार्निश, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, विच वन इज करेक्ट? ऑल ऑप्शन जल्दी से बताइए, यहां पे कौन सा करेक्ट है? रेजिन्स आर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करना है आपको, जल्दी से बताइए। नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सोल्यूबल इन स्पिरिट, यूज इन वार्निशेज, ये सारे के सारे ऑप्शन ही करेक्ट लिखे हुए हैं। यहां पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 100%। नेक्स्ट, पुट्टी इज मेड अप ऑफ, पुट्टी को कैसे बनाया जाता है? रेड लेड एंड लिंसिड ऑयल की मदद से, जिंक ऑक्साइड एंड बॉइल्ड लिंसिड ऑयल, व्हाइट लेड एंड टर्पेंटाइन, एंड पाउडर चॉक एंड रॉ लिंसिड ऑयल। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, जैसे ही पाउडर चॉक आपने देखा होगा तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा, पुट्टी में हम लोग यूज करते हैं पाउडर चॉक का, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, डॉग लेग्ड स्टेयर्स आर, डॉग लेग्ड, एक बार फिगर दिखा के आपको बताया भी हूं, ये क्वेश्चन आपको कराया, फिगर भी दिखाया मैंने, इसका जवाब दीजिए। अगर जो जिन लोगों ने सेशन अटेंड किए होंगे पहले के, वो जरूर बता पाएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, डॉग लेग्ड स्टेयर्स, क्वार्टर टर्न, थ्री क्वार्टर टर्न, हाफ टर्न, या फिर स्ट्रेट स्टेयर्स। हाफ टर्न स्टेयर्स होते हैं ये, हाफ टर्न होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे जाके और उससे सटी हुई, जैसे घरों में बनाते हैं, बिल्कुल हाफ टर्न, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, फॉर पॉलिशिंग मोजैक फ्लोर्स वी यूज, मोजैक फ्लोर की पॉलिशिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 19 में, जल्दी से जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। कार्बोलिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, विच वन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं फॉर पॉलिशिंग द सर्फेसिस ऑफ द मोजैक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 तो समझ के बताइए यहां पे आंसर, है ना, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, यहां पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन। तुक्के मत मारो यार, एबीसीडी सब पढ़ने लगते हो। टेराकोटा इन बिल्डिंग्स इज यूज फॉर, टेराकोटा इन बिल्डिंग्स इज यूज फॉर, टेराकोटा इन बिल्डिंग, टेराकोटा का यूज, टेराकोटा इन बिल्डिंग इज यूज फॉर इंसुलेशन, ऑर्नामेंट वर्क, बिल्डिंग्स में लिख रहा है, और ऑर्नामेंटल वर्क, सीवेज लाइन और सैनिटरी सर्विसेज। टेराकोटा का यूज कहाँ पे किया जाता है बिल्डिंग्स में, ये पूछा है आपसे, इंसुलेशन, ऑर्नामेंटल वर्क, सीवेज लाइन एंड सैनिटरीज। टेराकोटा आपने पढ़ा भी होगा, टेराकोटा यूज करते हैं ऑर्नामेंटल सजावट वगैरह के लिए, ठीक है, बिल्कुल बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ ग्लास इज मेड ऑफ थिक ग्लास सीट एंड सैंडविच लेयर ऑफ वॉट, कई लेयर को आपस में जोड़ जोड़ के बनाते हैं, और वो लेयर्स जो होती हैं वो किसकी होती है? स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक, क्रोमियम प्लेट्स, विच वन इज करेक्ट, विच वन इज करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताना है। ये हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक होती है ना, फाइबर्स होते हैं, है ना, हाई स्ट्रेंथ प्लास्टिक, बिल्कुल करेक्ट है, सी ऑप्शन, यहां पे सी ऑप्शन इज करेक्ट। द हाइट ऑफ द सिंक ऑफ वॉश बेसिन अबव द फ्लोर इज कैप्ट, देखो ऐसे वाहियात क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं, एसएससी वाले पता नहीं क्यों डालते हैं क्वेश्चन, ये कहीं भी इंजीनियरिंग से किसी भी एंगल से रिलेटेड नहीं है, और ना ही ये आपके इंजीनियरिंग लाइफ में कभी आपने कॉलेज में पढ़ा होगा इसको, ठीक, क्वेश्चन आने के बाद जरूर पढ़ लोगे, लेकिन इंजीनियरिंग करते समय कभी नहीं पढ़ोगे। यहाँ पे सिंक की हाइट पूछ रहा है वॉश बेसिन की, है ना, 60-70, और ऑप्शन तो देखो कैसे रखे हैं, 75 से 80 और 80 दोनों ऑप्शन रख दिए हैं, और चूंकि 80 सेंटीमीटर रखते हैं, 75 to 80 वाला भी करेक्ट आप लोग को लगेगा, ये करेक्ट है भी, ठीक है, आ जाते हैं कभी कभार। If the aggregate is completely passed through a sieve of 75 mm and retained on the sieve of 60 mm, the particular aggregate will be flaky if its minimum dimension is less than. आपको पता है फ्लेकी एग्रीगेट के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? उसकी डायमेंशन, लीस्ट डायमेंशन कितनी होती है? 0.6 times
ऑफ द मीन डायमेंशन। मीन डायमेंशन कैसे निकलेगा, 75 से पास हो रहा है 60 पे रुक रहा है, मतलब बड़ा से बड़ा साइज जो होगा वो 75 होगा, छोटा से छोटा साइज जो होगा वो 60 होगा। मीन डायमेंशन निकालना है तो 75 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2 और इसमें 0.6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लीस्ट डायमेंशन आ जाएगी। जल्दी से बता दीजिए कितना आ रहा है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके बता दो, 0.3 का मल्टीप्लाई कर दोगे 60 प्लस 70 40.5 आ रहा होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द एग्रीगेट इज कॉल्ड फाइन एग्रीगेट इफ इट्स कम्प्लीटली रिटेन्ड ऑन। एग्रीगेट को फाइन एग्रीगेट बोलते हैं हम लोग कब, जब वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से रुक जाए। किस पे रुक जाए, किस नंबर, किस एमएम के सी पे रुक जाए, ऑप्शन दिया हुआ है 0.15 mm सीव, 0.3 mm सीव, 4.75 mm सीव, नन ऑफ द अबव। आपको पता है ना कि फाइन एग्रीगेट कब बोला जाएगा, जब 4.75 से पास हो जाए तो उसको हम लोग फाइन एग्रीगेट बोलेंगे। एग्रीगेट का वो भाग जो 4.7 mm से पास हो जाए। रिटेन कहाँ होगा, इसकी क्या, इसका कोई क्राइटेरिया तो है नहीं, हालांकि 75 माइक्रोन से बड़ा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है, लेकिन यहाँ पे रिटेन्ड ऑप्शन में रिटेन्ड का कोई लिमिट है ही नहीं। यहाँ पे पास होने के लिए क्राइटेरिया रखा गया कि जो 4.75 से पास हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं, लेकिन ये रिटेन्ड किस पे रुक रहा है ये पूछा है। ऑब्वियस ही बात है, रुकने वाला तो जो बड़ा साइज होगा 4.75 से बड़ा होगा वो भी रुकेगा उस पे, है ना, 75 माइक्रोन उससे भी बड़ा होगा वो भी रुकेगा। तो पासिंग के क्राइटेरिया में फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। फाइन एग्रीगेट पास जो हो जाए, कोर्स एग्रीगेट जो इस पे रुक जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये पूछा है फाइन एग्रीगेट के लिए, तो यहाँ पे नन ऑफ द अबव बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट विच मे बी परमिटेड इन एग्रीगेट इज। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डस्ट बताइए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। मैक्सिमम जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हो, पहले यार देखो सब लोग फटाफट, सरकारी ऑप्शन तो बोलना बंद करो, यहाँ पे पहले पढ़ लो ऑप्शंस को, पढ़ लो ऑप्शंस को एक बार पढ़ लीजिए ताकि क्लियर हो जाए। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 5% ऑफ द टोटल एग्रीगेट फॉर द लो वर्केबल विद अ कोर्स ग्रेडिंग, 10% ऑफ द टोटल एग्रीगेट फॉर द लो वर्केबल विद अ फाइन ग्रेडिंग, 20% ऑफ द टोटल एग्रीगेट ऑफ द मिक्स हैविंग हाई वर्केबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेडिंग। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पे ऑल ऑप्शन करेक्ट नहीं है बेटा, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन, साइज एंड शेप ऑफ द एग्रीगेट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, साइज एंड शेप ऑफ द कंटेनर। यहां पे पूछा है द बल्क डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट डज नॉट डिपेंड्स ऑन। एग्रीगेट की बल्क डेंसिटी किस पे डिपेंड नहीं करती है ये पूछा है बेटा, जल्दी से पढ़ के बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। कंटेनर की शेप साइज पे डिपेंड नहीं करेगी ना, ऑब्वियस बात है यार, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन, साफ साफ देख के ऑप्शन पता चल रहा है, कंटेनर के शेप साइज पे कैसे डिपेंड करेगी। नेक्स्ट, एन एग्रीगेट इज सेट टू बी फ्लेकी इफ इट्स लीस्ट डायमेंशन इज लेस देन। अभी फ्लेकी एग्रीगेट का क्वेश्चन भी करा था, लीस्ट डायमेंशन किससे कम हो जाए, 0.6 यानी कि 3/5 ऑफ द मीन डायमेंशन से, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। द इम्पैक्ट टेस्ट आर यूज टू डिटरमाइन, इम्पैक्ट टेस्ट का यूज हम लोग करते हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए, अल्टीमेट क्रशिंग स्ट्रेंथ, टफनेस, डक्टिलिटी, टेनेसिटी, जल्दी से बताइए विच वन इज करेक्ट। इम्पैक्ट टेस्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 28, बड़े ही आसानी से बता सकते हो आप लोग, फटाफट बताइए।
टफनेस, बी 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 सबने बी बोला, ठीक है बिल्कुल करेक्ट है। इंपैक्ट टेस्ट का यूज टफनेस फाइंड करने के लिए किया जाता है। लॉस एंजल्स मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर, लॉस एंजल्स मशीन का यूज क्यों करते हैं एग्रीगेट में, क्या टेस्ट करने के लिए? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है लेकिन एक बार रिकॉल करते चलो ये लोग आप लोग। क्रशिंग स्ट्रेंथ, इंपैक्ट वैल्यू, एब्रेजन रेजिस्टेंस या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन। लॉस एंजल्स मशीन इज यूज्ड टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? क्रशिंग स्ट्रेंथ, इंपैक्ट वैल्यू, एब्रेजन रेजिस्टेंस या वाटर एब्जॉर्प्शन। एब्रेजन सी ऑप्शन इज करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सी ऑप्शन। नेक्स्ट, एन एग्रीगेट इज नोन एज साइक्लोपिन एग्रीगेट इफ इट्स साइज मोर देन, एग्रीगेट को साइक्लोपिन एग्रीगेट बोला जाएगा यदि इसका साइज कितने से ज्यादा हो। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए जल्दी सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 30, इसका आंसर क्या होगा? अगर आपने करा होगा तो पता होगा, अगर आपने सॉल्व करा होगा इस क्वेश्चन को, देखा होगा पढ़ा होगा तब पता होगा, अदरवाइज नहीं बता पाओगे। 75 बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा इसलिए बोल रहा था। 75 है, हम याद रख लेना ठीक है, 75 है। द एग्रीगेट कंटेनिंग मॉइस्चर इन पोर्स हैविंग इट्स सर्फेस ड्राई इज नोन एज, द एग्रीगेट कंटेनिंग मॉइस्चर इन पोर्स एंड हैविंग इट्स सर्फेस ड्राई, पोर्स के अंदर मॉइस्चर है लेकिन उसकी सर्फेस कैसी है, ड्राई है, ऐसे एग्रीगेट को क्या बोलेंगे? द मॉइस्ट एग्रीगेट, वेरी ड्राई एग्रीगेट, ड्राई एग्रीगेट या सैचुरेटेड सर्फेस ड्राई एग्रीगेट। ऑप्शन पढ़ के भी बता सकते हो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर। सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट बोलते हैं उसको, सैचुरेटेड होता है सरफेस उसकी ड्राई होती है, इसको सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट बोलते हैं। ऑप्शन देख के भी आपको पता लग रहा है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ बैचिंग ऑफ द कॉन्क्रीट देयर, कॉन्क्रीट के बैचिंग के कितने तरीके होते हैं? बैचिंग का मतलब क्या होता है आपको बताया है मैंने, है ना, मेजरमेंट एंड मिक्सिंग जिसमें हम लोग करते हैं बैचिंग प्लांट में, क्वांटिटी जितनी है उसका मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पे कितने टाइप से करते हैं, वॉल्यूम बैचिंग और वे बैचिंग, आपको पता है ना दो टाइप से करते हैं, बाय वॉल्यूम और बाय वेट, बिल्कुल टू ऑप्शन टू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए। स्पेस बिटवीन द एक्सटीरियर वॉल एंड द वेयर हाउस एंड द बैग पाइल्स शुड बी 30 सेंटीमीटर, सीमेंट बैग्स शुड बी प्रिफरेबली बी पाइल्ड ऑन वुडन प्लैंक्स, सीमेंट बैग शुड बी प्लेस्ड सच दैट द बैग्स ऑन द लेयर डज नॉट टचेस द बैग ऑफ द एडजेसेंट लेयर या नन ऑफ द अबव। ऑब्वियस बात है जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, कुछ अगर याद हैं तो आपको कुछ तो कॉमन सेंस से पता चल जाएंगे, जैसे बी और सी तो आपको कॉमन सेंस से पता चल रहे हैं करेक्ट है, लेकिन पहले वाले बारे में पता होना चाहिए आपको ठीक है। यहाँ पे नन ऑफ द अबव होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे सारे के सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है ना, फॉल्स पूछा है। द साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड्स, फाइन एग्रीगेट का साइज कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए? द साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड्स 2.75 mm, 3 mm, 3.75 mm, 4.75 mm। द साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट डज नॉट एक्सीड्स, फाइन एग्रीगेट का साइज कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 34, ऑब्वियस बात है 4.75 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा ना ठीक है, यहाँ पे आपका डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू टेस्ट द एग्रीगेट फॉर इट्स एब्रेजन रेजिस्टेंस, इनमें से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो एब्रेजन रेजिस्टेंस के लिए टेस्ट किया जाता है? अभी पीछे हमने एक क्वेश्चन भी करा है इससे रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे आप पढ़ लो एक बार थोड़े सारे ऑप्शन को इत्मीनान से, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो तुरंत हम ये ढूंढते हैं, ये वाला ऑप्शन ढूंढा मिल गया चलो इसको टिक लगा दिया, एक बार बोल रहा हूँ कायदे से सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए। पहला लिखा हुआ डेवल एट्रिशन टेस्ट, डॉरी एब्रेजन टेस्ट, लॉस एंजल्स टेस्ट एंड ऑल ऑप्शनल करेक्ट भी दिया हुआ है। जब भी मैं बोलता हूँ कि ऑल वाला ऑप्शन दिखाई दे तो पढ़ा करो सबको, नहीं तो झटके में देखोगे तो लगेगा ये सही है, सी ऑप्शन सही है, सी तो सही है ही,
ए भी सही है, बी भी सही है, यहाँ पे तो डी डी ऑप्शन सही हो जाएगा ना फिर। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लास्टर फिनिश, इनमें से कौन सा प्लास्टर फिनिश नहीं है, नॉट अ प्लास्टर फिनिश। रफ कास्ट, पेबल डैश, सैंड फेस, वुडन। ऑप्शन बताइए, ऑप्शन देख के बताइए। यहाँ पे आप देख के बता सकते हो प्लास्टर्ड फिनिशिंग किसके लिए यूज नहीं होती, या फिर प्लास्टर फिनिश नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, वुडन लिख दिया यहाँ पे तो प्लास्टर फिनिश तो नहीं है। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नो, यहाँ पे अभी हमको यूट्यूब पे थेरी नहीं, पेड बैचेस में थेरी क्लासेस होती हैं, यहाँ पे तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, आज 9 बजे से आपको डिफ्लेक्शन एंड स्लोप के कुछ फॉर्मूले, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे अच्छे देखेंगे, और उसके बाद कल भी एक क्वेश्चन का सेशन रखेंगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन सोम का। द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर इज नोन एज, फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर इज नोन एज, जल्दी से बताइए। फ्लोटिंग, फिनिशिंग, ट्रॉवलिंग, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, जल्दी से बताइए। 37, क्वेश्चन नंबर 37। द फाइनल ऑपरेशन लिखा है, फिनिशिंग में बहुत सारे पॉइंट आपको बताए हैं मैंने, फाइनल ऑपरेशन लास्ट ऑपरेशन क्या होता है ये पूछा है यहाँ पे। बिल्कुल ट्रॉवलिंग, ट्रॉवलिंग बिल्कुल करेक्ट है। फ्लोट वगैरह को यूज करके बराबर कर लास्ट में ट्रॉवल से हम क्या करते हैं, छोटे 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 जो गड्ढे बचे रह गए होते हैं उनको हम लोग बराबर कर लेते हैं, ट्रॉवलिंग फाइनल ऑपरेशन। पढ़ना पड़ेगा इन सब के लिए, अगर जिसको भी बिल्डिंग मटेरियल में प्रॉब्लम है, बिल्डिंग मटेरियल ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, रीड करिए, थ्योरी पढ़िए, थ्योरी बुक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, पढ़ना जरूरी है। ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप लोग अगर सोचोगे कि कोई ना कोई आके बता जाए, घुसा दे दिमाग में सारी चीजें, तो नहीं, इसमें चीजें अनलिमिटेड है। लिमिटेड पढ़ के भी सेलेक्ट हो सकते हो, लेकिन लिमिटेड कहाँ से पढ़ना, कैसे पढ़ना, ये आपको जानना है। नेक्स्ट, एक्सपेंशन जॉइंट्स आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड्स, लेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर कितने से ज्यादा होता है तब हमें एक्सपेंशन ज्वाइंट, यानी कि एक्सपेंशन ज्वाइंट के बीच में गैप कितना होता है ये पूछ रहा है, स्पेसिंग पूछ रहा है, जल्दी से बताइए। 6 बजे वाली क्लास 6 बजे ही लगती है और आज भी 6 बजे ही लगी है, लेकिन उसमें बीच में बफरिंग की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें नोट्स वगैरह भेज देता हूँ, क्लास नोट्स जो पढ़ाता हूँ। अगर बैचेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो तो बैचेस वैसे ज्वाइन कर लेना चाहिए यार, बहुत नॉमिनल प्राइस में है सारे के सारे बैचेस। जाओ ऐप डाउनलोड करो, इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग का महापैक चूज कर लो और उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। Y293 कूपन कोड अप्लाई करो, एक बार पेमेंट करोगे लगभग लगभग कितना, वो भी 2900 के आसपास का है, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सब कुछ A to Z। 10 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर या 45 मीटर, कितने लोग इसका आंसर बता सकते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट, 45 मीटर बिल्कुल करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। बिफोर प्लास्टरिंग द सरफेस, बिफोर प्लास्टरिंग द सरफेस, हाँ रोज क्लास होती है। बिफोर प्लास्टरिंग द सरफेस हैज टू बी, द सरफेस बिफोर प्लास्टरिंग द सरफेस हैज टू बी रफ, स्मूथ, सीमेंटेड, वॉटर्ड। यहाँ बोला गया कि प्लास्टरिंग करने से पहले सरफेस कैसी होती है ये पूछा। यार देखो एकदम मतलब बिल्कुल वाहियात क्वेश्चन है, इसको मैं बोलूंगा वाहियात क्वेश्चन की कैटेगरी में, इसलिए रखूंगा क्योंकि पढ़ने वाला पढ़ते के साथ बता सकता है इसका आंसर। प्लास्टरिंग किस लिए किया जाता है, ताकि हम सरफेस को स्मूथ कर सकें, उससे पहले कैसी होगी सरफेस, उसके पहले रफ होगी सरफेस, बिल्कुल यहाँ पे ये ऑप्शन इज करेक्ट। स्मूथनिंग के लिए करते हैं ना प्लास्टरिंग। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वेयर हाउस वाटर हाउस इज प्रोवाइडेड, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वाटर हाउस इज प्रोवाइडेड, वाटर प्रूफ मेसनरी वॉल। आइडियल वाटर हाउस प्रोवाइड कराना है, किस चीज से प्रोवाइड कराओगे, वाटर प्रूफ मेसनरी वॉल, वाटर प्रूफ रूफ, फ्यू विंडोज विच रिमेन्स जनरली क्लोज, ऑल ऑफ द अबव, जल्दी से बताइए। ये भी क्वेश्चन एक रैंडम ही क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है कि वाटर हाउस बताना है, पानी स्टोर करने के लिए टैंक बनाना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वाटर प्रूफ मेसनरी वॉल भी बना सकते हैं, वाटर प्रूफ रूफ बनाना पड़ेगा आपको, और फ्यू विंडोज विच रिमेन्स जनरली क्लोज, जो कि हमेशा बंद रहती होंगी, ऑब्वियस सी बात है तभी उसके अंदर पानी स्टोर कर सकेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, सी वाटर, नेक्स्ट पढ़िए और बताइए इसका आंसर। सी वाटर कंटेन्स सैलिनिटी ऑफ अबाउट 3.5%,
नेक्स्ट कोरोड्स द रेनफोर्समेंट ऑफ द आरसीसी, एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है कोरोजन होता है उसकी वजह से, सी वाटर की वजह से, कंटेन सेलिनिटी अबाउट 3.5%, एक्सेलरेट द सेटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट और डी, यहां पे सारे के सारे ऑप्शन चूंकि करेक्ट हैं इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वेयर हाउस है क्या, वो वेयर हाउस नहीं था, वेयर हाउस से कोई मतलब ही नहीं है, वाटर हाउस ही होना चाहिए, वेयर हाउस वो लिखा हुआ था लेकिन वाटर हाउस ही होना चाहिए वहां पे, वेयर हाउस से कोई पर्पज नहीं है, या तो वेयर हाउस लिखा होगा तो यहाँ पे कुछ देखो क्वेश्चन में, यहाँ पे जो भी लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे वेयर हाउस से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं। वाटर प्रूफ मेसन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड, या तो क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से किसके लिए इज एन आइडियल वाटर वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड, किसके लिए आइडियल वेयर हाउस प्रोवाइड किया जाता है, वेयर हाउस वाटर प्रूफ मैसोनरी वॉल के लिए प्रोवाइड किया जाता है क्या, ये सब ऑप्शन देख रहे हो, फिर ये ऑप्शन फिर उसके हिसाब से सुटेबल नहीं है, या तो क्वेश्चन गलत है या तो उसके हिसाब से ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया चेंज कर दिया उसको, पहले वेयर हाउस ही पढ़ रहा था मैं भी। रिटार्डर्स आर यूज फॉर, रिटार्डर्स आर यूज फॉर, रिटार्डर्स किसके लिए यूज किए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाई राइज बिल्डिंग्स, रिपेयर वर्क्स, कोल्ड वेदर कंडीशन, ग्राउटिंग डीप ऑयल वेल। ये देखो क्वेश्चन तो जनरल है लेकिन ऑप्शन अच्छे सेट किए हैं, इसमें मैं बोलूंगा ये अच्छा क्वेश्चन, सोच समझ के आंसर टिक करना क्वेश्चन नंबर 42 का। रिटार्डर्स कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग में रिटार्डर का कोई मतलब है क्या, कि नीचे आपने मिक्सिंग करके ऊपर तक ले जा रहे हो, बहुत हाई राइजिंग बिल्डिंग होगी तो कितना भी हाई राइजिंग इतना जल्दी तो जमेगा नहीं ऊपर नीचे से ऊपर ले जाने में, है ना, उसके लिए आपने देखा होगा कन्वेयर वगैरह सिस्टम यूज करते हैं हम लोग। रिपेयर वर्क, रिपेयर वर्क के लिए रिटार्डर यूज करोगे कि एक्सेलरेटर यूज करोगे। कोल्ड वेदर कंडीशन, कोल्ड वेदर कंडीशन में भी एक्सेलरेटर यूज करेंगे। ग्राउटिंग डीप ऑयल वेल, डीप ऑयल वेल में, डीप ऑयल वेल में आप क्या कर सकते हो, डीप ऑयल वेल में आप यूज कर सकते हो रिटार्डर ताकि अंदर तक पेनिट्रेशन हो सके, पहले ही ना जम जाए, टाइम लगे उसको प्रॉपर अंदर तक जा सके वो पूरा का पूरा कंक्रीट, ठीक है, डी ऑप्शन इज करेक्ट। डैश आर यूज्ड टू प्रेस मोर्टार एंड स्प्रेड इट यूनिफॉर्मली, इनमें से क्या यूज किया जाता है मोर्टार को प्रेस करने के लिए और उसको स्प्रेड करने के लिए यूनिफॉर्मली सरफेस पे, ट्रॉवेल, एल्यूमिनियम रॉड, फ्लोट्स, ब्रश, विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा, फ्लोट्स का यूज करते हैं ना, वुडन फ्लोट्स होते हैं आपने देखा होगा इस तरीके के, यहाँ हैंडल लगी होती है इससे सरफेस पे घर वगैरह बनते होंगे तो देखा होगा, इन फ्लोट्स का यूज करके सरफेस को स्मूथ किया जाता है, यहाँ ये हैंडल होती है, फ्लोट्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट, ट्रॉवेल नहीं फ्लोट होगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है ना, 43 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, फ्लोट, फ्लोट का यूज करते हैं। स्प्रेड भी लिखा है ना यहाँ पे, भी पढ़ लिया करो, प्रेस द मोटर एंड स्प्रेड इट यूनिफॉर्मली। प्लेस नहीं है, प्लेस लिखा होता तब आप ट्रैवल करते हैं, यहाँ पे प्रेस लिखा हुआ। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बिटुमिन कंटेंट एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज इन द रिफाइंड एसॉल्ट, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट बिटुमिन कंटेंट, बिटुमिन कंटेंट कितना होता है परसेंटेज में इन रिफाइंड एसॉल्ट, ये क्वेश्चन डेटा बेस्ड है याद रखना चाहिए आपको, जिनको याद है जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर, बिल्कुल फ्लोट वॉइड को भी फिल करेगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन होगा या यहां पे डी ऑप्शन होगा, जल्दी से बताओ पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, ए ऑप्शन या डी ऑप्शन,
कितने लोग कह रहे हैं कि 52%। देखो जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो इसका आंसर दे पाएंगे। व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट बिटुमिन कंटेंट? एसॉल्ट वगैरह आप लोग पढ़ते नहीं हो। चलो इसको मैं लगा देता हूँ इम्पोर्टेंट, और इसको आप लोग का होमवर्क दे देता हूँ। एक क्वेश्चन तो रोज होमवर्क देना जरूरी भी है, क्योंकि अब क्वेश्चन ही खत्म हो जाएंगे अगले क्वेश्चन के बाद, तो होमवर्क क्या दे पाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग जो भी 52% बोल रहे हैं। हालांकि देखो कुछ लोगों को नहीं पता ए आंसर स्टार्टिंग में आ गए थे, इसलिए मैंने बोला, मैं बता रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में सब लोगों ने ए लाइन से दे दिया था। द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द कॉन्क्रीट फ्लोर ऑफ द सीमेंट वेयर हाउस इज, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे देखो सही क्वेश्चन पूछा है। द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ द कॉन्क्रीट फ्लोर ऑफ अ सीमेंट वेयर हाउस, सीमेंट वेयर हाउस जो बनाते हैं उसके लिए कॉन्क्रीट फ्लोर की थिकनेस कितनी ज्यादा से ज्यादा रखी जाती है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। हाँ बिल्कुल, क्लास के पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मैं भेज देता हूँ। जिनका 52% है बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन का आंसर, इधर वाले का, आधे पहले आधे आधे बटे हुए थे ना दो पार्ट में, बाद में सारे सही कर दिए अपने आंसर। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 44 था ना, हाँ इसमें ये आंसर तो बिल्कुल करेक्ट है। होमवर्क क्या, अब आधे लोग यहीं बता दिए तो कुछ देखेगा कौन। सिविल भाई रजत सर आनंद, सिविल भाई रजत सर सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। जल्दी से बताइए इसका आंसर आप लोग सभी लोग, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 या 25 सेंटीमीटर, विच वन इज करेक्ट? द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कॉन्क्रीट फ्लोर ऑफ द सीमेंट वेयर हाउस इज, मैक्सिमम थिकनेस पूछा है, मैक्सिमम लीस्ट थिकनेस नहीं पूछा है। अजय बोल रहा है अब तो दिवाली भी चली गई। हालांकि 20 से 25 एमएम लिया जाता है, 20 से 25 एमएम, यहाँ पे 20 एमएम जो लोग 20 से 25 सेंटीमीटर जो लोग 20 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट है उनका आंसर। ठीक है, और कहीं कहीं आपको 25 भी मिल जाएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना 20 से 25, 20 to 25 होता है। अब यहाँ पे क्या आंसर करोगे आप, दोनों ही आंसर आप दिए हुए हैं ऑप्शन में, ये भी मैं कहूँगा कि ये भी सही है। ठीक है, तो ये हाल है एसएससी का। ठीक, अगर मैक्सिमम लिखा है वर्ड तो मेरे हिसाब से आपको 25 टिक करना चाहिए, 25। चलिए, थैंक यू सो मच, आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे। और आज स्टार्टिंग में थोड़ी सी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, बफरिंग वगैरह, पता नहीं क्या रीज़न था उसकी वजह से, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। जिन लोगों को वेट करना पड़ा 10 से 15 मिनट 20 मिनट, ठीक है, चलिए ओके गाइज, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे 9 बजे वाली क्लास में, 9 बजे वाले सेशन में आप जरूर जुड़िएगा, वहाँ पे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन समझेंगे बेसिक से, और कोशिश करेंगे कि आज और कल 2 दिन के सेशन में आपको पूरे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन हो सकें वो मैं कराने की कोशिश करूँगा। आज के सेशन में कुछ ओवरव्यू दूंगा, कल आपको उसमें क्वेश्चंस भी कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव गाइज, मिलते हैं 9 बजे, जरूर जुड़ना सभी लोग। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, एंड करते हैं आज का सेशन। और हाँ, लास्ट में जो भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, एक बार मैं जरूर कहूँगा कि जिनको भी पेड बैचेस में क्लासेस लेनी है, प्रॉपर कंसेप्ट पढ़ना है, जरूर इस पर्टिकुलर बैच को ज्वाइन कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग महापैक को। और ये आपके लिए एक तरह से बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं जेई या एई एग्जामिनेशन के लिए, सारा का सारा इसमें आपको कंटेंट मिल जाएगा, चाहे लाइव क्लास टेक्निकल के सब्जेक्ट की, या फिर नॉन टेक्निकल के सब्जेक्ट की, या फिर टेस्ट, सारे के सारे ऑप्शंस। और सबसे अच्छी बात है कि टेक्निकल के सब्जेक्ट, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जरूर ज्वाइन करिए, ज्वाइन करके अपनी क्लासेस स्टार्ट कीजिए। ज्वाइन करना बड़ा सिंपल है, एप्लीकेशन से ज्वाइन करोगे तो 1% का ज़्यादा एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, 78% का डिस्काउंट मिलेगा एप्लीकेशन पे, और इस तरीके से 77% का, कुल मिला के 6 मंथ की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी
2900 में, 2900 रुपये में, और 12 मंथ की वैलिडिटी आपको मिल जाएगी लगभग 3500 रुपये में। किसी का सेपरेट बैच ज्वाइन करने का मन है तो UPSC AE का, ये इसकी प्राइस कम कर दी गई है लगभग 1100 या 1000 रुपये, वही Y293 ये कूपन कोड लगाने के बाद। ज्वाइन करने से पहले Y293 लगाओ, यू विल गेट ऑल दी बेनिफिट्स एंड डिस्काउंट्स। ठीक है, PDF मैं सेंड कर दूंगा, और जिनको सेपरेट एक SSC JEE का बैच चाहिए इसको ज्वाइन कर सकते हो। हालांकि ये सारे बैच इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, सिविल इंजीनियरिंग महापैक में सब के सब बैच आ जाते हैं। तो जिसको पढ़ना है कायदे से, सीरियस होके 4 महीने स्टडी कीजिए, सिविल इंजीनियरिंग का महापैक ज्वाइन करके, और पेड क्लासेस भी कीजिए, यूट्यूब की क्लासेस भी कीजिए, किसी भी हिसाब से कमी मत छोड़िए अपने प्रिपरेशन में। ठीक है गाइज, एंड करते हैं आज का सेशन, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।